एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और करवा चौथ में ब्लॉग डाला तो उसके बाद कोई भी ब्लॉग नहीं डाला है। बहुत ज़्यादा मैं बता भी नहीं पाऊँगी, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग टेंशन में था कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हो रहा था। कि मैंने दीपावली के ब्लॉग, मतलब दीपावली तो मेरी जैसी गई वैसे, मैं आपको क्या बताऊं। दीपावली तो मैंने बस पूजा ही करी थी जैसे हो पाई, कोई ब्लॉग नहीं करा। मेरा दिल ही नहीं था कि ब्लॉग मैं बनाऊं। करवा चौथ वाले ब्लॉग के बाद मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला और मैं ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पाऊँगी। मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बोल, मतलब अपडेट दे दूँ, बता दूँ। तो मेरे अंशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दीपावली के पहले से ही ख़राब थी। लेकिन ये था कि यहाँ पर दिखा रहे थे, हम लोग कस्बे में रहते हैं, तो फीवर आया, एकदम से फीवर आया और बस सर दर्द पीठ दर्द वगैरह हुआ। तो हम लोग ने नॉर्मल ही लोग दिखा लेते हैं आजकल फीवर, लेकिन आप लोग मतलब कभी भी आजकल बुखार को भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। तो बस दिखाया, जब उसकी जाँच हुई डेंगू की, वो क्या बोलते हैं उसको, WBC बोलते हैं, WBC बढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो मुझे, आम बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा ये क्या होता है, मुझे भी नहीं पता था। यहाँ बोतल 3-4 दिन 5 दिन चढ़ी, उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आप, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप कानपुर ले जाइए। मतलब हमारे यहाँ से कानपुर पास है, वहाँ पर दीपावली के जस्ट दूसरे दिन हम लोग लेके भागे। अगर हम लोग तुरंत ही निकले, सुबह के टाइम था, 10-11 बजे था, मैंने पूजा ही कर रही थी, चाय भी नहीं पी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, पर हम लोग जैसे तैसे बस, शायद ये था कि कहीं इंसान ना हो, मतलब एडमिट कर लें, तो बस कुछ भी नहीं, बस एक बैग तैयार कर छोटा सा, मतलब उसमें सर्दी भी, उसमें आप समझ लीजिए दीपावली 12 तारीख की थी, 13 तारीख की बात, बस हम लोग लेकर कर और सही में वहाँ पर एडमिट कर लिया। और इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी कि मैं बता भी नहीं सकती। तो मेरा तो, मैं किसी से बात करने के लिए नहीं थी, ना ही कोई मुझे किसी काम में, ना खाने में, ना पीने में, ना किसी काम में, किसी चीज़ में। मेरा दिल बस, मेरा दिमाग सर घूम रहा था, बस मैं कुछ समझ नहीं सकती थी। मेरी दीपावली, मैंने करवा चौथ के बाद कोई भी ब्लॉग नहीं डाला और बड़े जैसे तैसे सफाई वफाई की। मैंने ब्लॉग बनाए भी थे, मुझे ये नहीं पता था, तो वो ब्लॉग मैंने डालना ही भूल गई। फिर मेरा दिमाग माइंड सेट नहीं, एक हफ्ता वो भर्ती रहा, फिर तो भी उसकी मतलब इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई थी, लेकिन हाँ डॉक्टर से छुट्टी ले ली थी, मतलब दे दी थी उन्होंने। फिर जब घर आया तो एक हफ्ते सही रहा, फिर उसके बाद उसकी तबीयत, मतलब सर में दर्द। तो फिर हम, मैं दिखाने गई, फिर उन्होंने चेकअप वगैरह किया। इसी वजह से मैं ब्लॉग डाल ही नहीं रही, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूँ, बस अंशु को देखे जा रही थी और कुछ भी मेरा मत दिल नहीं कर रहा। फिर डॉक्टर ने मतलब फिर हफ्ते भर की दवा दे दी, तो फिर उसके बाद दिमाग बस घूमता ही रहा कि क्यों नहीं सर दर्द जा रहा। फिर सीटी स्कैन वगैरह और सारे टेस्ट वगैरह कराए, तो सीटी स्कैन वगैरह में कुछ भी नहीं निकला, मतलब नॉर्मल ही दर्द बताया। दवा ववा दी, फिर हफ्ते भर बाद फ़ायदा नहीं किया, फिर मैंने डॉक्टर बदल दिए। तो मैं पहले फैमिली, मेरे मतलब मायके से एक फैमिली डॉक्टर थे, मैंने उनको दिखाया, उनको सारी रिपोर्टें वगैरह सब कुछ दिखाया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो एक महीने तक ये, मतलब फिर उसके बाद एक महीने तक ऐसे मैंने दिखाती रही उनको, फिर उनको बदल के दिखाया डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात मुझे नहीं लग रही, ये दवा लेते जाइए 10 दिन की है और खिलाइए, माइग्रेन का दर्द शायद, मतलब माइग्रेन का उसके दर्द था, तो माइग्रेन का दर्द है। तो फिर उसके बाद दवा वाले कराई, 2-4 दिन खाया, उसको आराम, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला उन दवाओं से। फिर मैं, उन्होंने कहा कि अगर मतलब 10 दिन खिला लीजिए, अगर आपको लगे तो 5 दिन और बढ़ा दीजिएगा, फिर उसके बाद अगर कुछ दिक्कत हो तो लेकर आइएगा। तो मुझे उस समय से कोई दिक्कत नहीं लगी, तो अंशु का धीरे धीरे नॉर्मल होता गया। और इतनी ज़्यादा वीकनेस थी उसके कि वो ना चल पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, मैं बता नहीं सकती कि उसने क्या था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिलीव हुआ, उसके बाद फिर जब अंशु का ठीक हुआ तो इनके पापा का हो गया। मतलब मेरे यहाँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मम्मी की तबीयत तो आप लोग को बताया ही था कि मम्मी की मेरी तबीयत इतनी बड़ी बीमारी है, हैं। फिर उसके बाद इनके हुआ कि बैठे थे, मतलब हमारे यहाँ बिजनेस है, वो भी छोटा मोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा सा नहीं है, तो वो उठ के कोई सामान दे रहे थे और पता नहीं किस तरह से पैर की नस चटक सी गई। तो वो बोले, नस नहीं जैसे चढ़ जाती है, तो वो बोले नस चढ़ गई है। 2-4-6 दिन तो ऐसे ही बोले नस चढ़ गई है, लेकिन नस नहीं चढ़ी थी, पता नहीं क्या हुआ था, और ज़्यादा दिक्कत बढ़ती गई। फिर सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बोले नहीं जा पाएंगे अभी,
यहाँ से दवा ली लोकल में, तो वो एक दिन मतलब आराम नहीं मिला, एक दिन थोड़ा बहुत लगा कि सही है, फिर वो जब चलते थे तो झटका दे देती थी, झटका दे देती नस। फिर उसके बाद कानपुर लेकर फिर गई मैं दिखाने के लिए, तो इसी वजह से मूड मेरा इतना अपसेट था, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था, मेरा कुछ ही दिल, और मैं चाहती थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं। मतलब मैं एक माँ ही समझ सकती हूँ कि तकलीफ़ बच्चे की क्या होती है, बस उस तकलीफ़ में थी। डॉक्टर को दिखाया, उनका भी MRI वगैरह हुआ, मतलब मेरे हस्बैंड का, तो उसमें भी थोड़ा सा क्रस क्रक बताया, और बताइए बैठे थे, बैठ के बस उठे थे, उसमें हड्डी अंदर से क्रक हो गई, इसी वजह से तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं चल नहीं पा रहे। फिर वहाँ पर टेस्टिंग MRI वगैरह, भाई 2 दिन वहाँ लग गए, फिर दिखा कर आई हूँ, अभी दोबारा जाना है, 5 दिन की दवा दी है, फिर जाना है दिखाने के लिए। डॉक्टर ने वो एक पूरा वो दिया है बेल्ट, मैं दिखाऊंगी, पूरा पैक है, पैर की पैर इधर से उधर हिल नहीं सकता है, मतलब इतनी बुरी, अब उसको क्या नाम है मैं नहीं बता सकती, मतलब था तो कुछ नाम, मैं बता नहीं पाऊंगी क्या है, मतलब पूरा बंधा हुआ पैर है, जैसे आप वो नहीं समझ लीजिए जैसे पलस्तर चढ़ता है उस तरह का है, और पूरी जॉइंट है, तो बस क्या है, फिर भी मतलब जब इतनी ज़्यादा मतलब मैं क्या बताऊँ, बैठ नहीं सकते हैं, बिजनेस है तो मेरे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो खाने के लिए काम करना ही पड़ेगा, बच्चे भी दोनों पढ़ रहे हैं और घर की खर्चा होता ही है, और ये अचानक से जो निकल आती हैं बीमारियां वगैरह, तो कितना खर्च होता है ये सब चीज़ें, तो बैठ सकते हैं नहीं घर में, तो धीरे धीरे गए हैं, तो इसी वजह से काम तो है ही है, और डॉक्टर ने पूरा रेस्ट बताया है, लेकिन रेस्ट मैं दुकान में स्टूल डाल के बैठ जाते हैं वैसे, मतलब इस तरह का है कि पूरा पैर स्ट्रेट करके बैठना होता है, सीधा करके बैठना होता है, मोड़ नहीं सकता है, तो स्टूल डाल लेते हैं उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन हाँ कभी ग्राहक वगैरह आएंगे तो दिखाना ही तो पड़ेगा। और अंशु के भी एग्ज़ाम चल, मतलब 2 महीने की उसकी पढ़ाई इतनी लेट हो गई, मैंने तो उसको भी पढ़ाई करनी है क्योंकि बोर्ड है, तो उसको भी देखना है, और मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, आप समझ लीजिए हर तरीके की, मानसिक भी है, शारीरिक भी है, और जो ज़रूरत की होती है वो भी तो है, सब कुछ है। महीने में अचानक से क्या क्या हो गया, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, और मुझे बिल्कुल भी ये था कि मैं किस तरह से बात करूंगी आप लोगों से, क्या कहूंगी, क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी मेरा दिमाग टेंशन, क्योंकि बीमारियों ने तो ऐसे आ घेरा है, समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और हर तरीके से ही दिक्कत है, पैसे से है दिक्कत है, शारीरिक तौर से दिक्कत है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो यूट्यूब ज्वाइन करती हूँ और देखती हूँ क्या होता है। आप लोग का सहयोग चाहिए, सहयोग क्या, बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए, तो उसलिए मैंने सोचा चलिए पहले आप लोग से बात कर लो। प्लीज़ आप लोग ने सब्सक्राइब, अगर मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं कुछ कह नहीं सकती, बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो कही नहीं जा सकती हैं, जो अपने अंदर ही रखी जा सकती हैं, कही नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बता नहीं सकती आप लोगों को बस। और कल मकर संक्रांति है, उसके एक दिन पहले ये मैं वीडियो, मेरा दिल था कि आज मैं आप लोगों से बात करूं, बहुत सारी परेशानियों से अभी भी जूझ रही हूं, बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूं, इसी वजह से मैंने सोचा चलिए प्लीज़ आप लोग सहयोग ज़रूर करिएगा मेरे वीडियोस को, और बस कल मकर संक्रांति, और पिछले के मेरे थोड़े से ब्लॉग हैं, मैंने बताया ना दीपावली के पहले मैंने साफ़ सफाई भी करी थी, अंशु ने, मैं आपको दिखाऊंगी अलमारी जो पेंट है अंशु ने करी थी, हाँ, और अचानक से ये हो जाता है, अचानक से भी कहाँ से दिक्कतें आ जाती हैं पता ही नहीं चलता, सब आपका सब कुछ दिमाग काम करना बंद कर देता, मैं किसी से ना फ़ोन में बात करती थी ना बोलती थी ना कुछ भी, मेरा दिल नहीं करता था, और देखिए मैं पेंट करते अलमारी उसने खुद की पेंट करी थी। बस इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, और कल मकर संक्रांति है तो थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाऊँगी कल भी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ सहयोग करिएगा मेरे वीडियो को मैं, और बाय, खुश रहिए आप लोग, खुशहाल रहिए, माता रानी आप लोगों की खूब इच्छाएं पूरी करे, और बस।